हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने कंप्लीट की थी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की ड्राइंग की आउटलाइन। जिसने भी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन पे भी आपको वो लिंक दिख रहा होगा। बेसिकली उस वीडियो में आपको आउटलाइन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको ग्रिड ऐप चलाने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उस वीडियो में मैंने ग्रिड ऐप के बारे में सब कुछ समझा दिया है। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी जरूर देख लें। एंड आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पूरी ड्राइंग एंड एज पर वर्ड्स मैं यूज करूंगा ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंस पिक को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया है एंड इस पिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम नॉर्मल इरेजर से ग्रिड लाइंस को इरेज कर लेंगे एंड नीडेबल इरेजर से आउटलाइन को भी लाइट कर देंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं शेडिंग। तो सबसे पहले हम बेस लेयर बनाएंगे जिसके लिए हम यूज करेंगे एचबी पेंसिल एंड पेंसिल को हम लाइट प्रेशर से ही यूज करेंगे एंड उसे ब्लेंड कर लेंगे। जिसके लिए मैं यूज करूंगा ब्रश एंड टिश्यू पेपर। आई में बेस लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद हम 2B पेंसिल को डार्क एरियाज में यूज करेंगे एंड उसे भी ब्लेंड कर लेंगे। एंड आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। राइट साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। बस फर्क इतना है कि हमें राइट साइड को लेफ्ट साइड के कंपैरेटिवली लाइट रखना है। अब हम दस्तार को ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हम सबसे पहले दस्तार की आउटलाइंस को एचबी पेंसिल से थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि बेस लेयर के बाद ये फेड ना हो जाए। बेस लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद हम लेयर बाय लेयर डार्क ग्रेड्स को यूज करेंगे जैसे हमने फेस में किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं लाइंस को और भी ज्यादा डार्क कर रहा हूं ताकि यहां पे एक डेप्थ इफेक्ट आए एंड ये रियलिस्टिक लगे। अब हम टॉम्बो मोनो इरेजर एंड नीडेबल इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स ऐड कर लेंगे। अब हम सेम वे से दस्तार के बाकी पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखिए एंड समझिए कि मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बियर्ड में एचबी पेंसिल से एक बेस लेयर बना ली है एंड अब मैं 5B पेंसिल से एक और लेयर बना रहा हूँ।
साइड पे हाइलाइट्स वाली जगह को छोड़कर 8B पेंसिल का यूज करेंगे एंड लेफ्ट साइड पे 8B पेंसिल की एक लेयर बनाकर फिर उसे ब्लेंड करके पेंसिल को प्रेशर से यूज करेंगे। अब हम हाइलाइट्स ऐड करेंगे जिसके लिए मैं यूज करूंगा टॉम्बो मोनो इरेजर। करेंगे आर्मर जिसके लिए आपको रेफरेंस स्टिक को ऑब्जर्व करना है एंड लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है एंड आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। एक बार शेडिंग हो जाने के बाद आप रेफरेंस पिक में आर्मर के ऊपर टेक्सचर देख सकते हैं। इसे ऐड करने के लिए हम किसी डार्क ग्रेड की पेंसिल को सैंड पेपर पे घिसेंगे एंड पेपर स्टंप पे वो पाउडर लगा के उसे यूज करेंगे एंड ये टेक्सचर आपको ध्यान से रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ही बनाना है। अब हम सेम वे से पूरे आर्मर में शेडिंग करेंगे एंड टेक्सचर को ऐड करेंगे एंड कई कई जगह पे हम टॉम्बो मोनो इरेजर से हाइलाइट्स को भी ऐड कर देंगे। ब्राइट हाइलाइट्स के लिए व्हाइट जेल पेंट का यूज करेंगे। सो गाइस क्या आप रेडी हैं फाइनल रिजल्ट देखने के लिए? सो ये रहा फाइनल रिजल्ट एंड इस पोर्ट्रेट को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 10 आवर्स का टाइम लगा है एंड आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस वीडियो को लाइक करने में एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय।